सब खैरियत से होंगे। आई एम योर मुस्कान खान। तो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई देसी तरीके से बनाऊंगी और इतनी मज़ेदार रेस्टोरेंट के जैसी टेस्ट में बनेगी हमारी चिकन कढ़ाई। और मेरे पास 3 kg चिकन है, तो घी का हिसाब अगर रखे तो तकरीबन 1 पाव घी मैंने इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से, जब घी गर्म हो जाएगा तो हम अपनी ये चीज़ें ऐड करेंगे। बाकी चीज़ें जितनी भी हमारे पास, प्याज चॉप किए हुए बारीक बारीक, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी हमारी चिकन ग्रेवी कढ़ाई। प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं तकरीबन, तो मैं सारी चीज़ों को काट के रख देती हूँ ताकि मेरी वीडियो बड़ी ना हो और छोटी वीडियो बने और आप आसानी से देख सकें मेरी वीडियो को। प्याज हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम हमारे इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी, तो सारे स्पाइसेस जितने भी थे मैंने एक कटोरी में इकट्ठा किया और सबको मिक्स कर दिया। तो मेरे पास 2 चम्मच सुर्ख मिर्च थी और 1.5 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1/2 चम्मच ऐड किया है, और 1 चम्मच बड़े साइज़ का सूखा धनिया ऐड किया है। और अब मैं इसमें 2 मिनट भुनने के बाद टमाटर मिर्च ऐड कर दूंगी। मिर्चों के हिसाब करें तो तकरीबन 8 से 10 अदद थी, और बड़े साइज़ के 2 अदद टमाटो थे जिनको मैंने इस तरह से चॉप करके ऐड किया है। अब हमने 2 से 3 मिनट टमाटो और मिर्च सुर्ख मिर्चों को भुनेंगे, तो हम अब अपना चिकन ऐड करेंगे। इसमें चिकन का हिसाब मैंने आपको बता दिया है, ये मैं 3 kg चिकन बना रही हूँ यहाँ पे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है, कम या ज़्यादा वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदरक का पेस्ट था मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने 10 मिनट मज़ीद भूनने के बाद अब मेरे पास है चिकन कढ़ाई गोश्त, तो ये ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से 5-10 मिनट भूनूँगी, और उसके बाद मैं इसको पानी दे दूँगी। पानी मैंने अपने हिसाब से देना है जितना कि हमारी इसमें अच्छी तरह से ग्रेवी बन जाए। और साथ में ही हमने इसके ऊपर से पानी देने के बाद साथ में ही हमने हरा धनिया काट देनी है, और अब इसके ऊपर मैंने सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर भी और भी छिड़क दिया था तकरीबन 1/2 चम्मच। तो ये है हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई जो कि तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थम्स अप दें। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आप चाहते हैं, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही सादा सी रेसिपी है। आप भी बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर गाइज़।